नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मधुसूदन नगर परिषद का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित हुए। साथ ही यहां पर पूर्व विधायक ममता मीना सहित हीरेन सिंह बंटी बना भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहां पर सभी पार्षदों एवं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराई गयी। संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगी। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का आनंद लिया। इस मौके पर पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकार से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस प्रकार बहिष्कार किया है वो अच्छा नहीं। इस मौके पर सभी अतिथियों को भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं भेंट की गई। मधुसूदन नगर से टोनी शर्मा रिपोर्ट। जहां तक हमारा कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, कहा जा रहा है कि कार्ड में नाम नहीं छपा था। तो कार्ड में नाम किसने नहीं छापा? जिन लोगों ने नहीं छापा है उसको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं छापा। और कांग्रेस के लोग तो आते ही नहीं है प्रोग्राम में, तो छापेंगे क्या? चाचा जी को बोलो भतीजे का प्रोग्राम है, चाचा जी कहेंगे अरु होगा घर का भतीजा। तो आते ही नहीं है कांग्रेस वाले, अच्छे कामों में कब आते हैं। आज नगर पंचायत का ऐतिहासिक दिन था, आज कांग्रेस पार्टी के विधायक को यहाँ होना चाहिए था, मगर बहिष्कार करने का मतलब है ईश्वर की दी हुई चीज को ठुकराना। तो कांग्रेस पार्टी अगर ठुकरा रही है तो ये ठुकराहट जो उन्होंने की है ये हतोत्साहित है, क्योंकि ममता मीना ने वो काम कर दिया जो वो नहीं कर पाए। उन्होंने कमलनाथ जी के टाइम क्या कहा था, चांचोड़ा जिला बनाऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था। तो वो तो बनवा नहीं पाए, मकसूद नगर ममता जी बनवा लाएंगे। अब किस मुंह से आएंगे वो? तो कार्ड में ही नाम नहीं छापा गया। अगर नहीं छापा है उसकी जानकारी लगाएंगे, आखिर क्या कारण है भाई? उसकी जानकारी लगेगी तभी तो बताएंगे। मुझको तो उन्होंने आगे कहा नहीं है, ना मुझसे शिकायत की, मुझे बताएंगे तो निश्चित रूप से इस पर जांच करेंगे। We'll be right back.